बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। ताबाजी न्यूट्रीजर वर्ल्ड में खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताबाजी न्यूट्रीजर वर्ल्ड। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है एक यूनिक और झटपट और बहुत ही आधे घंटे में बनकर तैयार हो गई है हमारा बट का ज़बरदस्त सा स्टू, बहुत ही लाजवाब स्टू, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शुरबेदार, मसालेदार और खुशबूदार बनेगा इंशाल्लाह। तो मैंने लहसुन का पानी है, हल्दी है, नमक ले लिया था, लहसुन अदरक का पानी, नमक, हल्दी और गर्म पानी में इसको मैं जो है बिल्कुल एक दफ़ा खौला आ जाएगा अच्छी तरीके से। इसको हमें जो है इतना गर्म करना है पहले तो कि हमारा हाथ अच्छी तरह पानी में डल जाए। गर्म पानी है ये, ठंडा पानी नहीं है, सही है, मगर अब पानी जो है इतनी हमारा हाथ इतनी गर्माई पानी की बर्दाश्त कर सकता है, इतना हमें गर्म कर लेना है। उसको रगड़ते रहना है जिस तरह कपड़े धोते हैं आपस में, दूसरे को रगड़ के धोना है। तो अभी एक हाथ में मेरे मोबाइल है, दोनों हाथ से मैं आपको करके नहीं दिखा पा रही हूँ, तो इस तरह से दोनों हाथ से ईजिली हो जाएगा। तो एक में मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ तरीके से, उसकी झिल्ली भी उतर आएगी आसानी से। तो गर्म करने से ये तमाम ये सफाई हो गई थी, साफ़ सुथरा हो गया था, ये हल्दी का पीला पीला निशान है इसके ऊपर, बाकी तो सफाई अच्छी तरीके से हो चुकी थी। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ये आपको बता रही हूँ कुकर में आप बनाएंगे आधे घंटे में बनके झटपट ये बनके रेडी हो जाएगा। ये बट ले लिया था मैंने, 2 किलो के करीब बट है ये, आधा किलो 2 किलो बट है ये मैंने कुकर में ले लिया है। इसको मैंने हल्दी लहसुन अदरक नमक के पानी से गर्म पानी से धो लिया है। इसमें प्याज डाली है 4 अदद बड़े साइज़ की, अदरक ज़्यादा जाएगी क्योंकि झटपट और मज़ेदार सा ये बनने वाला है। अदरक ज़्यादा डालेंगे तो 2 टेबल स्पून अदरक है, 2 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये तीनों पेस्ट लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है और कुछ गर्म मसाले जाएंगे खड़े जो है, दालचीनी इलायची सब 1-1 अदद जाएगी, लौंग 2-3 जाएंगी, काली मिर्च 3-4 जाएंगी और तेज़पत्ता 1 जाएगा और ज़ीरा चला जाएगा 1 टेबल स्पून और इसमें और जाएगा इसके अंदर शाइनी सॉल्ट और नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये तमाम मसाले, हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा ये भी 1 टेबल स्पून है, हल्दी पाउडर भी 1 है। इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस बट के अंदर। बट का स्टू लाजवाब स्टू, वो भी शोरबेदार स्टू, भुना हुआ स्टू नहीं होगा, ये शोरबेदार बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ होगा। और इसमें जो है गरम मसाला पाउडर डाल दिया था 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून डाल दिया है। इसमें ऑयल शामिल करूँगी और कड़ी पत्ता, ये बहुत ही लाजमी जूस है, आप बट का बेहतरीन टेस्ट चाहते हैं ना, तो सूखा हुआ कड़ी पत्ता है, मैं सुखा लेती हूँ, दही ज़ाया नहीं करती, तो सुखाने से फिर इसको जो है सेव करके रख लेती हूँ। तो कड़ी पत्ता मैंने इसको जो है चूर करके डाल दिया था सूखे कड़ी पत्ते को, और साथ में इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने, तो ऑयल हमें जितना दरकार है उस हिसाब से डाला है। तो 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऑयल गया है। अब साथ में इसके अंदर जाएगा पानी, तो पानी से पहले इमली का पल्प है ये ज़रूर डालना है क्योंकि टमाटरों के बगैर बना रही हूँ और बहुत ही लाजवाब बनेगा, आप यकीन मानिए, मैं आपको बता सकती हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितना ज़बरदस्त ये बट का स्टू बन के रेडी हुआ था। इमली का पल्प शामिल कर लीजिएगा, टमाटर दही कुछ नहीं जाएगी, इमली का पल्प जाएगा, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। पानी हमें इतना डालना है कि इसी में गल जाए, मज़ीद हमें पानी खुश करने की ज़रूरत ना पड़े, बस गल जाए, हमें इतना डालना है, शोरबे के लिए अभी नहीं डालना है, सिर्फ गलाने के लिए डालना है। तो इतना मिक्सिंग कर लेंगे तो मसालों की ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में बन के हमारा ये रेडी होगा इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा कुकर में। अगर आप कुकर के बगैर बना रहे हैं तो 2.5 से 3 घंटे तो लग ही सकते हैं, 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा तीन, तो इस तरह से बट बहुत देर से गलता है कुकर में जो है, आधे घंटे में इस तरह से झटपट रेडी होगा। तो इसमें कोई मैंने किसी मसाले की बुनाई नहीं की है, स्टू टाइप बन रहा है बहुत ही लाजवाब बेहतरीन टेस्ट के साथ। तो अभी को ढक के रख दूंगी, फिर ये देखें हमारा गल गया था, गलने के बाद मैंने घी डाला है, घी से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, घी ज़रूर शामिल कीजिएगा आखिर में। तो देखें पानी इतना था कि खुश्क हो गया, अब सही है, मसाला भी हमारा जो खड़ी खड़ी प्याज थी कुछ भी खड़ी नज़र नहीं आ रही, इतना इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह से, जो हल्की फुल्की भी खड़ी खड़ी प्याज होगी वो भी मैश होकर मसाला बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगी, ज़बरदस्त सा ग्रेवी बन जाएगा इसमें। तो इतना हमें बुनाई कर लेनी है घी डालने के बाद, अच्छे तरीके से बट के हमें बुनाई कर लेंगे। बुनाई अच्छी तरीके से हो गई थी, 12 से 15 मिनट तो देना ही देना है बुनाई में, इस पॉइंट पर हमें बुनाई बहुत अच्छी करनी है। तो इसमें सूखा धनिया और सूखा भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया जो होता है, भुना कुटा धनिया और काली मिर्च, ये तीनों जो है कूट कूट कर डाल दी थी, सही है, और इस पॉइंट पर डालना है बुनाई के दौरान, शुरू में नहीं डालना है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है दौरान आप डालेंगे तो।
भुना कुटा जीरा है, भुना कुटा धनिया है और काली मिर्च है कुटी हुई। तीन चीज़ें शामिल कर इसे भुनाई कर लेनी है। पैन पे 12 से 15 मिनट देना ही देना है भुनाई को। और ये हमारी भुनाई अच्छी तरीके से हो गई थी। अब हमें जितना शोरबा दरकार होगा उतना ही हम इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से भुनाई कर लेने के बाद फिर अब हम मेक श्योर हो जाएंगे हमारा बिल्कुल भी प्याज खड़ी खड़ी नहीं नज़र आ रही और मसाला और अच्छा सा पेस्ट बन चुका है, मसाला ग्रेवी बन चुकी है प्याज की। तो इस पॉइंट पर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो इसमें बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी ग्रेवी लाने के लिए हल्का सा इसमें जो है आटा मैंने शामिल कर दिया था, सही है, आधे कप से भी कम था आटा, तो पानी में घोल के शामिल कर दिया। इसे ज़बरदस्त सा जायका, बेहतरीन सा टेस्ट आया था, बेहतरीन सी ग्रेवी बन जाती है रोटी के साथ, दाल चावलों के साथ, पुलाव के साथ, सब फिर बहुत ज़बरदस्त लगता है। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी थिकनेस सी ग्रेवी हो गई, बहुत लाजवाब टेस्ट आता है। वैसे तो आटा सिर्फ निहारी में ही डाला जाता है, मगर इसमें आप डाल के ज़रूर देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन किस्म का बट कस्टू बन के रेडी होगा। तो मैंने आधे कप से भी कम आटा डाला था इसके अंदर और इसको जो है अच्छी तरीके से मैं अच्छी तरह से पका लूँगी दोबारा से 10 से 12 मिनट तक। फिर दोबारा से जितना भी शोरबा दरकार होगा उसके हाथ से पानी शामिल कर लेना है। 12 मिनट तक पकाने का पानी शामिल कर दिया था और अब इसको दम पे रखना है मुझे दोबारा 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारे आटे का कच्चापन है बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। तो बस इसको जो है 12 मिनट 15 मिनट तक मैं दोबारा ढक के रख दूँगी इसी तरह से। और उसमें हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी थी, वो मैंने दिखाना भूल गई थी, स्किप हो गई थी, हरी मिर्चें शामिल करने का वीडियो मेरी स्किप हो गई थी। तो आप हरी मिर्चें भी शामिल कर लीजिएगा और बहुत ही बेहतरीन हमारा बन के रेडी हुआ है। देखें तो बस 15 मिनट के दम के बाद ज़बरदस्त लाजवाब सा टेस्ट और लाजवाब सी खुशबू, लाजवाब सा जायका, ऐसा जायका जो आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, आप ये ज़रूर बनाइएगा, रेडी टू सर्व है, इस तरह से आप भी बनाइएगा और मुझे को फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। आप इस तरीके से बनाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी टू सर्व है, रेडी टू ईट है। आप इस तरीके ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करवाइए, जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक हर जगह से आपको खुशियाँ नेमतें अता करे, जहाँ से आपका गुमान ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।